वाराणसी यानी काशी, जिसे धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे बहती है गंगा, चारों तरफ मंदिर और मंदिर के घंटियों से आती आवाज पूरे वातावरण को धर्ममयी बना देती है। इस धार्मिक शहर की अद्भुत माया को देखने के लिए विदेशी तक यहाँ खींचे चले आते हैं। मगर इसी काशी में कुछ ऐसा भी है जो आपको अंदर से झकझोर सकता है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए देश और दुनिया भर से लोग मौत का इंतजार करने के लिए आते हैं। जिन्हें ये लगने लगता है कि उनकी मृत्यु करीब है, तो वो अपने आखिरी कुछ दिन इस जगह पर गुजारते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस जगह में, और साथ में जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वाराणसी में एक ऐसा भवन है जहां लोग मौत का इंतजार करने आते हैं। इस भवन को मुक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। हर साल दूर दूर से हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले सैकड़ों लोग यहां पे आते हैं और अपने जीवन के आखिरी दिन यहां बिताते हैं। मुक्ति भवन में 12 कमरे हैं और यहां एक मंदिर भी है। इस मंदिर की देख रेख करने के लिए एक पुजारी भी हैं। इन कमरों में उन्हीं लोगों को रहने की अनुमति होती है जो मौत के एकदम करीब होते हैं। यहाँ पर रहने वाले किसी भी मनुष्य की मौत अगर 15 दिन के अंदर नहीं हुई तो उसे कमरा छोड़कर जाना होता है। ऐसा माना जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के मुताबिक मृकंड नाम के एक ऋषि थे जिनका जीवन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बीत रहा था, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उनके घर किसी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। संतान की प्राप्ति के लिए मृकंड और उनकी पत्नी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से खुश होकर शिव जी साक्षात प्रकट हुए और कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। जो भी मरदान मांगना है मांगो। तब ऋषि मृकंड ने शिव जी से कहा कि भगवान, अगर आप मेरी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे एक संतान की प्राप्ति का वरदान दें। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषि, तुम्हें लंबी उम्र वाला गुण रहित और मूर्ख संतान चाहिए या फिर 16 वर्ष तक जीने वाला गुणवान और बुद्धिमान पुत्र। इस बात पर मृकंड ने शिव से कहा कि भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो, फिर चाहे उसकी आयु कितनी भी कम क्यों ना हो। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कुछ समय पश्चात मृकंड के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। ऋषि मृकंड ने अपने पुत्र मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। समय बीतता गया और देखते ही देखते मार्कंडेय की आयु 15 वर्ष की हो गई, और जब 16 वर्ष प्रारंभ हुआ तो मार्कंडेय के पिता और माता दोनों परेशान रहने लगे। जब मार्कंडेय ने अपने पिता से इस परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने तुम्हें 16 वर्ष का जीवन दिया है और 16 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुनकर मार्कंडेय ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं भगवान शिव को कठोर तपस्या कर मना लूंगा। इतना कहकर मार्कंडेय जंगल में चले गए और वहां एक शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या शुरू कर दी। मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे तभी 16 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत यमराज द्वारा भेजे गए कुछ दूत मार्कंडेय को लेने पहुंचे तो मार्कंडेय ने इसका विरोध किया और वो अपनी तपस्या को लगातार जारी करते रहे। यमदूतों ने मार्कंडेय को ले जाने के लिए पूरी कोशिश की परंतु वो सफल ना हो सके और खाली हाथ लौट गए। इसके बाद यमराज खुद मार्कंडेय को लेने उसी जंगल में पहुंच गए जहां पर शिव जी की तपस्या मार्कंडेय कर रहे थे। यमराज को देखते ही मार्कंडेय परेशान होकर शिवलिंग से लिपट गए और महामृत्युंजय का जाप करने लगे। इसके बाद शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए साक्षात वहां पहुंच गए और यमराज के सर पर अपने त्रिशूल से दो टुकड़े कर दिए, जिससे यमराज की मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु होने से जीवन मरण का काल चक्र ही खत्म हो गया और पृथ्वी पर राक्षस असुर का बोलबाला बढ़ने लगा। इस मुसीबत से पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो यमराज को जीवन दान प्रदान करें।
इस बात को भगवान शंकर ने स्वीकार करते हुए यमराज के सामने दो शर्तें रखी कि वो मार्कंडेय के जीवन को बख्श दें और उनकी काशी नगरी में यमराज और उसके दूत का आना वर्जित है। इस प्रकार शंकर जी ने मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो काशी में अपना जीवन त्यागता है उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, जिससे कि उसके जीवन मरण का जो काल चक्र है वो वहीं समाप्त हो जाता है और उन्हें प्राप्ति होती है मोक्ष की। यही वजह है कि आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि जिसके जीवन का आखिरी समय वाराणसी में बीतता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें।